नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी हम दो दिन से रायबरेली में और ये राजा राम भैया जी के यहां पर आए हुए हैं, और यहां आकर के हमको बहुत खुशी मिली और काफी लोगों का प्यार मिला। मित्रों, हमें नहीं पता था कि ये राजा राम भैया जी इतने काबिल व्यक्ति हैं, और इनके पास में तो एक ऐसा हुनर है, एक कला है, एक शिक्षा भी है। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ज्ञाता हैं और तमाम रोगों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। जब इन्होंने यहां दिखाया हमको कि गुरुजी अपना ये सब सिस्टम ऐसा है, तो हमको बहुत खुशी हुई कि कम से कम गरीब लोगों का भला तो होगा। और कुछ गरीब ऐसे भी आते हैं बेचारे जिनके पास पैसा नहीं होता है, और उनकी ये निःशुल्क सेवा करते हैं। और इनके पास में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ये दवाइयां खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। आपके पास भैया जी किस किस रोग की दवा है, आप यहाँ आप बोलिए। बहुत सारी दवाइयां हैं, मिर्गी की है, बवासीर की है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। देखिए, इनका ये पर्चा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें एड्रेस भी है, इनका नंबर भी है, और इसमें ये जो इनका एड्रेस है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, तो उसका यहां आकर के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा मामूली शुल्क में उसको ठीक कर सकते हैं। इनका जो एड्रेस है, आयुर्वेदिक दवाखाना बिंदागंज अमेठियन का पुरवा नहर के किनारे जगतपुर शैलोन रायबरेली। हमारे यहाँ सभी प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवा दी जाती है। मिर्गी, दौरा, कैंसर तक, बवासीर, मोटापा, घुटना, कमर दर्द, कोहनी, पेट का गैस या पेट के अन्य प्रकार के सभी रोग, हाथ व पैर में झुंझलाहट, स्त्री रोग जैसे संतान नहीं होती हो, उसकी दवाई भी जड़ी बूटी से तैयार करके दी जाती है। पीलिया रोग की रामबाण दवा दी जाती है। दमा और सांस, जो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, हमारे राजाराम भैया जी के पास में ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिससे कि दमा और सांस खत्म हो जाएगी। साटिका, सर्दी खांसी बुखार की भी दवा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। इनका नीचे मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, अगर किसी को किसी भी प्रकार की इनमें से बीमारी हो, तो मामूली शुल्क में यहां आकर के इलाज करा सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो एडिटिंग करते समय वीडियो में दिखा दूंगा। इनके नंबर पर इनसे बात करके आप इनके घर पे आ सकते हैं। मित्रों, बाकी का अगर किसी को तंत्र मंत्र से कोई बाधा हो, तो भैया अभी हमारे छोटा मोटा भूत प्रेत का भगाने का इलाज कर देते हैं, बाकी का हम इनको एक परफेक्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जल्द ही ये बड़े से बड़े मामले को भी निपटा सकेंगे। अभी कोई साधना कराई थी, वो साधना में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, जिस कारण से हमको यहां भागना पड़ा, इनको थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन इनकी कुछ कुल देवी की समस्या सामने आई थी, वो शक्ति को आने नहीं दे रही थी, तो हमने सोचा कि पहले जाकर के देखते हैं कि क्या मामला है। जब यहां आकर के देखा, तो इनका थोड़ा मामला ऐसा निकला कि कुल देवी को कल हमने फिर मनाया और उससे बात की, तो आगे अब ये साधना करेंगे, उस साधना से इनको शक्ति प्राप्त होगी और ये आप लोगों की सेवा निःशुल्क करेंगे। रायबरेली के अंदर हमारे भैया जी का ऐसा रिकॉर्ड होगा एक समय आने के बाद। तो मित्रों, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग मिलने आए, सभी लोगों ने प्यार दिया, हम बहुत खुश हैं, और भैया जी भी सब यहां से खुश होकर गए हैं। कुछ अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए थे, उनकी समस्याओं का समाधान किया। आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि सिद्धि साधना करने से पहले आप किसी अच्छे गुरु को धारण करके तभी कोई साधना करें, अन्यथा बिना गुरु के कोई साधना करेंगे तो आपको काफी नफा नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक जा सकती है। इन्होंने बिना गुरु के परी साधना स्टार्ट की थी,
और तख्त पर बैठ करके की थी। इनको पता नहीं कि जमीन पर बैठ के की जाती है और कैसे की जाती है। मंत्र मिल गया, वीडियो से निकाल लिया और इन्होंने साधना शुरू कर दी। तो दोस्तों उसमें काफी इनका नुकसान हुआ। इनको डेली वो तख्त जो है ऊपर उड़ने लगता था। आपको पता है कि जब अप्सराएं होती है तो भैया वो आसमान में उड़ती हैं, और किसी भी अप्सरा की साधना की जाती है तो खुले आसमान के नीचे बैठ करके की जाती है, तब साधना सफल होती है। लेकिन इन्होंने तख्त में बैठ के की थी तो तख्त खुद ही उड़ने लगा था। वही है जिनका पहले वीडियो एक बार आ चुका है। तो मित्रों, अगर कोई किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर परेशान है तो भैया जी के नंबर पर संपर्क करके यहां तक आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।